बिहार के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल को लेकर हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और एनडीए की जनहितकारी नीतियों का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार किसकी बनेगी ये मत पेटियों में इसका फैसला बंद है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एनडीए बहुमत से बिहार की सरकार बनाएगी। जनता ने बिहार की सरकार का किसके पक्ष में बनेगी किसके पक्ष में नहीं बनेगी वो भविष्य मतपेटियों में बंद है। मुझे पूर्ण विश्वास है एनडीए एक बार फिर बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाएगी और जनकारी नीतियां जो रही हैं उसका लाभ इस चुनाव में मिलेगा। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिला के पहले दिन के दौरे के दौरान करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में टोनी देवी में नवनिर्मित सराय भवन का उद्घाटन किया और उसके बाद श्रम एवं कल्याण विभाग के कार्यक्रम में चोरी में 500 लाभार्थियों को सामान वितरण किया। दोपहर बाद सुजानपुर खेल मैदान में खोखा धारकों के लिए दुकानों का शिलान्यास करने के उपरांत री में पशु औषधालय री का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना री पटलांदर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंडलाध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, जिला महामंत्री अभयवीर लबली, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा, मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा मौजूद रहे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति बनने पर बधाई देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय मूल की महिला के अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनने पर देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध अब पहले से और बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया के ऐसे देश हैं जो कि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जिससे दोनों देशों की नजदीकियां बढ़ती गई हैं, जिससे अब नई सरकार बनने पर भी भारत को लाभ मिलेगा और भारत अमेरिका की मित्रता गहरी होगी, जिससे आतंकवाद व काले धन के खिलाफ मुहिम अब मिलकर चलाई जाएगी। भारत के लिए भी गर्व की बात है और भारतवासियों के लिए भी। मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी और समस्त देशवासियों की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत और अमेरिका के संबंध पहले से बहुत बेहतर हुए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में इनको और ऊंचाइयों पर नई सरकार के साथ लेकर जाएंगे। ये दो दुनिया के ऐसे देश हैं, एक सबसे पुराना लोकतंत्र है, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले ये दोनों देश पिछले कई वर्षों में लगातार नजदीकियां बढ़ती गई। और आपने जैसे देखा होगा केवल अमेरिका और भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो नेवल एक्सरसाइज हो, बाकी सर्विसेज की एक्सरसाइज हो। इससे पता चलता है कि इस पूरे क्षेत्र में भारत का कैसे कद मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है, दुनिया भर के देशों का सहयोग कैसे मिलना शुरू हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नए राष्ट्रपति जो अमेरिका के बने जो बाइडेन, उनके साथ भी नरेंद्र मोदी जी के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। भारत अमेरिका की मित्रता और गहरी होगी और दुनिया के लिए जो एक आतंकवाद के खिलाफ, काले धन के खिलाफ मुहिम इकट्ठे मिलकर भारत अमेरिका ने चलाई उसको और आगे बढ़ाएंगे। शांति दुनिया भर में रहे इसके लिए भारत लगातार प्रयासरत था, आज भी है और मोदी जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगा। इसमें अमेरिका और बाकी देशों का भी सहयोग मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 35 साल की पुरानी मांग को पूर्व सैनिकों की पूरी करने के लिए पीएम मोदी ने कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल पूर्व सैनिकों को वायदे ही करती थी, लेकिन पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के तौर पर पूर्व सैनिकों को लाभ दिया है। उन्होंने कहा कि केवल पीएम मोदी ने ही पूर्व सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाया है। पहले तो धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मोदी जी का हिमाचल प्रदेश की ओर से और पूर्व सैनिकों की ओर से। 35 वर्ष पुरानी मांग को अगर किसी ने पूरा किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। लगभग 6 वर्ष हमारे उसको पूरे हुए। ये बड़ा कदम था। कांग्रेस हर चुनाव में कोरे वायदे करती थी, कभी पैसे का प्रावधान नहीं करती थी, और बड़ा प्रावधान भी कभी कांग्रेस ने किया तो मात्र 500 करोड़ रुपए का किया। हमने लाखों करोड़ रुपए
पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के रूप में दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। ये परवाह नहीं की कि कितना इससे देश के बजट पर फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये कोई कर सकता था तो नरेंद्र मोदी जी की तरह मोदी जी ही कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने हर दीपावली को भी देश के बॉर्डर पर सैनिकों के साथ जाकर मनाया है। और चाइना जब अतिक्रमण की सोच रखकर आगे बढ़ रहा था तब भी बॉर्डर पर जाने का साहस किसी प्रधानमंत्री ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने जाकर सैनिकों के साथ खड़े हुए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1810 करोड़ का लोहरी प्रोजेक्ट और SJVN के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश को बहुत फायदा होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश वासियों को दो बड़ेपन बिजली प्रोजेक्ट लोहरी और थोला स्थित SJVN दीपावली के मौके पर उपहार स्वरूप स्वीकृत किए हैं, जो कि हिमाचल के लिए गौरव की बात है। पहले जब 66 मेगावाट का धौला स्थित प्रोजेक्ट और 1810 करोड़ रुपए का लोहरी प्रोजेक्ट ये दिल्ली में SJVN के माध्यम से आए थे, तब मैंने व्यक्तिगत रूप से भी पावर मंत्रालय में और फाइनेंस मिनिस्ट्री में इन दोनों को एक ही दिन में दोनों मंत्रालयों से अप्रूव करवाकर आगे भेज दिया था, क्योंकि 66 मेगावाट का प्रोजेक्ट वित्त मंत्रालय के स्तर पर ही घोषणा की जा सकती थी। हमने वो कर दिया था, उसकी घोषणा पहले हो गई थी। 1810 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट लोरी ये कैबिनेट में जाना था, जो पिछले कल कैबिनेट ने उसको परसों पास किया, तो वो भी एक प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने दो बड़े प्रोजेक्ट धौला स्थित और लोरी प्रोजेक्ट हिमाचल वासियों को दिवाली के तोहफे के रूप में दिए हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी का समस्त हिमाचल वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के लिए विलम्ब होने पर अनुराग ठाकुर ने दुख जताया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाने और बजट लाने के लिए इतना काम किया है और अब स्थानीय स्तर पर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में सरकार देरी करती है तो इसका खामियाजा प्रदेश के लोगों को झेलना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति की वजह से छात्रों और लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है, जो दुखदायी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विलम्ब होना अपने आप में दुखदायी है, और जिस तरह संघर्ष मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लाने के लिए किया, उसको बनाने के लिए किया, उसके बजट को जो 280 करोड़ रुपया देशभर की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को मिलता था उसकी बजाय 500 करोड़ रुपए के लगभग इसके लिए मंजूर करवाया। अब ये स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन की जिम्मेदारी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, अगर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, जमीन दिलाने में राज्य की सरकार विलंब करती है तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान विद्यार्थियों को और प्रदेश को झेलना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो राजनीति हुई उसका नुकसान छात्रों को और प्रदेश को झेलना पड़ा है। सुजानपुर विधानसभा में विकास कार्य में देरी के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता के लिए तैयार हुए भवनों को समर्पित करना चाहिए क्योंकि जनता को लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा में तैयार तहसील परिसर अन्य योजनाओं को जल्द समर्पित किया जाना चाहिए। जनता के लिए जो भवन बनकर तैयार हुए हैं, चाहिए तो यही था कि उसको जब बनकर तैयार हो तो लंबा इंतजार ना करना पड़े, उसको समर्पित करना चाहिए, क्योंकि सुविधा देने के लिए है। किसी का समय ना मिले उसके कारण विलंब हो, इससे जनता को नुकसान होता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है इसको जल्द समर्पित किया जाएगा और करना भी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों की जो लंबे समय से मांग थी उसको पूरा किया जा सके। वहीं हिमाचल सरकार और संगठन में छिड़ी अंतर्कलह पर अनुराग ठाकुर बचते नजर आए और कहा कि जयराम सरकार ने प्रदेश में अच्छा काम किया है और उम्मीद जताई है कि आगे के 2 साल भी बढ़िया काम करेगी। हिमाचल में सब कुछ बहुत अच्छा है, जयराम जी ने शानदार काम किया है, मेरी शुभकामनाएं, और मुझे पूर्ण विश्वास है अगले 2 वर्ष भी जयराम जी के नेतृत्व में हम बहुत अच्छा काम करेंगे।